आर्ट कॉन्टेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन का डिमांड मेरे चैनल में हमेशा से रहे हैं, इसीलिए आज मैं आप लोगों के साथ फिर से आर्ट कॉन्टेस्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय गीता अकेडमी चैनल। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम वीडियो स्टार्ट करते हैं। पीस पल्स एक इंटरनेशनल यानी कि यूएसए के ऑर्गेनाइजेशन है जिसने वर्ल्ड काइंडनेस डे को सेलिब्रेट करने के लिए 24th एनुअल पीस पल्स इंटरनेशनल आर्ट एग्जीबिशन एंड अवार्ड्स ऑर्गेनाइज किया है। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए लास्ट डेट है 31st अगस्त 2021। इसका मतलब 31st अगस्त से पहले पार्टिसिपेंट्स को अपना आर्टवर्क अपलोड करना होगा और कंपटीशन का रिजल्ट अनाउंस होगा 30th नवंबर 2021 को वर्ल्ड काइंडनेस डे के दिन ड्यूरिंग ए स्पेशल ऑनलाइन लाइव इवेंट विद स्पेशल गेस्ट इंक्लूडिंग करेन पलमर, मिस काइंडनेस एंड विनर्स फ्रॉम दिस ईयर्स कॉन्टेस्ट। कॉम्पिटिशन का थीम है काइंडनेस। द थीम मस्ट इंक्लूड आर्टवर्क ऑफ एक्ट्स ऑफ काइंडनेस एंड मस्ट इंक्लूड द वर्ड्स मे पीस प्रिवेल ऑन अर्थ इन इंग्लिश और योर नेटिव लैंग्वेज। चलिए बात करते हैं इस कॉम्पिटिशन के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स एंड गाइडलाइंस के बारे में। कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेंट्स हॉरिजेंटल या वर्टिकल इनमें से कोई भी एक को चूज करके अपना आर्टवर्क रेडी कर सकते हैं। जो कोई भी पार्टिसिपेंट्स हॉरिजेंटल अगर चूज करते हैं तो उनको 5 इंचेस × 7 इंचेस साइज मेंटेन करना होगा, और अगर वर्टिकल चूज करते हैं तो 12.7 सेंटीमीटर × 17.7 सेंटीमीटर साइज मेंटेन करना होगा। पार्टिसिपेंट्स का आर्टवर्क ओरिजिनल होना चाहिए, किसी भी जगह से कॉपी नहीं चलेगा, नहीं तो वो रिजेक्ट भी हो सकता है। पार्टिसिपेंट्स को अपना आर्टवर्क हाथ से स्केच या पेंट करना होगा कोई भी साइज के पेपर या कार्डबोर्ड के ऊपर। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि कंपटीशन का थीम है काइंडनेस, आर्टवर्क मस्ट इंक्लूड मे पीस प्रिवेल ऑन अर्थ ऑन द आर्टवर्क। इफ द आर्टवर्क डज नॉट इंक्लूड द थीम और मे पीस प्रिवेल ऑन अर्थ, द एंट्री विल बी डिस्क्वालिफाइड। चलिए अब डिस्कस करते हैं कॉम्पिटिशन के एलिजिबिलिटी के बारे में। इस कॉम्पिटिशन में 4 एज ग्रुप है। कैटेगरी 1 में 5 ईयर्स से लेके 7 ईयर्स, कैटेगरी 2 में 8 ईयर्स से लेके 10 ईयर्स, कैटेगरी 3 में 11 ईयर्स से लेके 13 ईयर्स और कैटेगरी 4 में 14 ईयर्स से लेके 16 ईयर्स के कोई भी चिल्ड्रन पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इस कॉम्पिटिशन के रिवर्ड्स के बारे में। इस कॉम्पिटिशन से जो भी फर्स्ट आएंगे उनको क्लासिक वाइट पीस पोल, सेकेंड विनर्स को 17 इंच डेस्कटॉप पीस पोल, थर्ड विनर्स को 8 इंच डेस्कटॉप पीस पोल, और जो भी पार्टिसिपेंट्स फाइनलिस्ट होंगे उनको सर्टिफिकेट्स एंड एसोर्टेड प्राइज दिया जाएगा। कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेंट्स को अपना आर्टवर्क 300 DPI में रेडी करना होगा और JPG फॉर्मेट में सेव भी करना होगा और सारे रूल्स एंड गाइडलाइंस भी मेंटेन करना होगा। और एक बात मैं बोलना भूल गई, कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करने वाले हर एक पार्टिसिपेंट्स को सर्टिफिकेट भी मिलेंगे। चलिए अब डिस्कस करते हैं जो भी पार्टिसिपेंट्स इस कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहां पे जाके क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद अच्छे से सारे गाइडलाइंस फॉलो कीजिए, पढ़िए और उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके रजिस्टर नाउ बटन पे जाके क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इस तरीके का एक विंडो ओपन हो जाएंगे जहाँ पर देखिए पहले ही लिखा है ओनली 1 आर्टवर्क एंट्री पर इंडिविजुअल इज परमिटेड। इसका मतलब एक पार्टिसिपेंट्स एक ही अपना एंट्रीज अपलोड कर सकते हैं, एक से ज्यादा आर्टवर्क अपलोड नहीं कर सकते हैं एक पार्टिसिपेंट्स। नीचे स्क्रॉल करने से आपको यहाँ पर एक फॉर्म मिल जाएंगे जहाँ पर आप अपना बेसिक डिटेल्स दे के नीचे सबमिट बटन पे क्लिक करने से आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएंगे।
आफ्टर रजिस्ट्रेशन आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे पासवर्ड और ईमेल आईडी मिल जाएंगे जिसके थ्रू या रजिस्ट्रेशन नंबर में मिल जाएंगे जिसके थ्रू आप लोग फर्दर लॉगिन करके कंपटीशन में एंटर कर सकते हैं। कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको पर्सनल डैशबोर्ड भी मेंटेन करना होगा और वो कैसे आप मेंटेन कर सकते हैं और बना सकते हैं उसका सारा प्रोसीड्योर स्टेप बाय स्टेप ऑर्गेनाइजेशन ने पिक्चर के थ्रू रेडी किया है। इसका लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंटेन कर दूंगी, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। देखिए डैशबोर्ड इंस्ट्रक्शन से आप अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको मिल जाएंगे स्टेप बाय स्टेप कैसे आप लॉगिन करेंगे, उसके बाद डैशबोर्ड कैसे मेंटेन करेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर, उसके बाद अकाउंट इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट आप कैसे अपना आर्टवर्क अपलोड कर सकते हैं, कौन सी एज कैटेगरी में पढ़ते हैं, और अगर आप स्टूडेंट में लिस्ट है या गार्जियंस या पेरेंट के थ्रू पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सारे डिटेल्स कैसे दे सकते हैं, एंटर कर सकते हैं और सक्सेसफुली इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यहाँ पर लिखा हुआ है। हर एक पार्टिसिपेंट्स को अपना आर्टवर्क अपलोड करने के बाद पर्सनल डैशबोर्ड का लिंक भी ऑर्गेनाइजेशन को मेल करना होगा और वो मेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहां से चेक कर सकते हैं। कॉम्पिटिशन से रिलेटेड अगर आपका कुछ भी क्वेरीज है तो आप लोग ऑफिशियल मेल आईडी पे कॉन्टेक्ट करके अपना क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं। सारे इम्पोर्टेंट गाइडलाइंस और लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी, आप लोग वहां से चेक करके अपलोड कर सकते हैं अपना आर्टवर्क और कंपटीशन में सक्सेसफुली पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। आई होप आज की इस वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और अच्छी भी लगी हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे इसी तरह के और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो को लेकर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।